दुमका नगर थाना क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक और एसडीओ आवास के समीप सीएनआई चर्च के पास अज्ञात अपराधियों ने छिनतई के दौरान पुलिस जवान सुजीत कुमार बोमपाई को गोली मारी। जवान को गोली पैर में लगी। प्रशासन ने आनंद फानन में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में जवान को भर्ती कराया, जहां पुलिसकर्मी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घायल पुलिसकर्मी छुट्टी से वापस आने पर घर चाईबासा से सुबह करीब 3 बजे दुमका पहुंचा। बस स्टैंड में कुछ देर रुकने के बाद वो पैदल ही अनुमंडल आवास में अपने दोस्त के पास रखा मोटरसाइकिल को लाने जा रहा था। उस दौरान पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने पुलिसकर्मी को बैग रखने के लिए कहा गया। जब बैग नहीं रख रहा था, उस दौरान अपराधी ने पुलिसकर्मी पर गोली मारकर भाग गए। पुलिसकर्मी के चिल्लाने के बाद प्रशासन ने तुरंत घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। दुमका में जहां पर ये घटना को अंजाम दिया गया, वहां पर पुलिस अधीक्षक अनुमंडल पदाधिकारी उपायुक्त दुमका कुलपति का आवास स्थित है। इसके बावजूद अपराधियों बेखौफ पुलिसकर्मी पर गोली मारकर छिनतई की घटना को अंजाम दिए। दुमका से अगस्तीन हेमरम की रिपोर्ट। सर बताइए कैसे हुआ आपके साथ और किस समय हुआ? हम बस से उतरे 3:30 बजे, वहाँ से फ्रेश व्रेश करके एसटीओ गार्ड जा रहे थे, उसी से हम रास्ता में हो गए। हमको बैग रखने के लिए बोल रहा था, हम नहीं रखे। एक बार बोला नहीं रखे, दो बार बोला नहीं रखे, तो फिर करके चलाइए तो नहीं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।